हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूं गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, किंग ऑफ एयर, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं गाइस। आपके पर्सन आज हो सकता है आपके साथ या तो एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं या फिर अपने थॉट्स ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, जहाँ पर इनको बिलीव है अपने आइडियाज़ पर, अपने इंटेलेक्ट पर, कि ये जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको शायद बताना चाहते हैं आपकी तरफ। एक ऐसी कम्युनिकेशन शायद ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे जहाँ पर ये अपना एक प्रैक्टिकल प्लान आपके साथ डिस्कस कर सकें। बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकता है एक किसी प्रैक्टिकल प्लान को लेकर डिस्कशन में बने होंगे। इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन एंड द बीइंग लॉयल एंड ऑनेस्ट अबाउट समथिंग, कि आपके पर्सन एटलीस्ट अपनी ऑनेस्टी आपके सामने जाहिर कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पर किसी तरह का कोई गेम या किसी तरह का कोई छल प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। मैं मतलब फाल्स प्रोमिसेस नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, मैं झूठा दिलासा दे नहीं सकता या दे नहीं सकती, यू नो, इस तरह से कि आपके पर्सन को पता है कि किसी को लिम्बो में रखना या किसी को अवेटेड रखना, किसी को फाल्स प्रोमिसेस में यू नो फंसा कर रखना, ऐसे आपके पर्सन नहीं होंगे। दे आर रियली वेरी ऑनेस्ट, दे आर रियली वेरी क्लियर विद देयर कम्युनिकेशन, और आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। जब अगर ये मान लो कमिटमेंट भी दे रहे हैं तो ये वहाँ पर कुछ भी चीज़ें हिडन नहीं रख रहे हैं, मतलब अंडरनीथ कुछ चीज़ें रखकर कुछ लोग प्रोमिसेस करते हैं, लाइक ओवर प्रोमिसेस कर सकते हैं, लाइक जिसको वो पूरा नहीं कर सकते। तो जितनी ये चीज़ें आपके लिए कर पाएंगे या जितना ये डिलीवर कर सकते हैं उतना ही ये शायद प्रोमिस करना चाहते हैं आपसे, इससे ज़्यादा के ये सपने आपको दिखाना नहीं चाहते। क्योंकि पिछले दिनों ऐसे कुछ इवेंट्स रहे होंगे आपके और इनके बीच में कि जहाँ पर ऐसी डिस्कशंस भी हुई होंगी कि आप इनसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में बने हुए होंगे या फिर आप इनसे कुछ ज़्यादा की डिमांड्स रख रहे थे, कि आपके पर्सन अभी ये सोच रहे हैं कि किसी को इस तरह से उम्मीदें देकर ऐसे ही छोड़ देना सही नहीं रहेगा। तो बेटर है मैं अपने तरफ से क्लैरिटी रखूं, या तो ये करने वाले हैं ऐसा या फिर बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। आपके पर्सन ने हो सकता है क्लियर वेज में आपसे कुछ कह दिया है या फिर इनकी प्लानिंग्स ऐसी चल रही हैं कि ये अपना इंटेलेक्चुअल प्लान या फिर एक आइडिया जिसको हम कहेंगे, ये आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपके साथ इनजस्टिस नहीं रखना चाहते। इनका एक मतलब हो सकता है एक एनालाइजेशन रहा होगा जहाँ पर इन्होंने चीज़ों को बहुत ही कीनली, बहुत ही डीपली ऑब्जर्व किया है। इन्होंने शायद रीड किया है सारे मैटर को, बहुत ही क्लोजली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, और इनको ये समझ में आया कि आप वो पर्सनालिटी नहीं हो जो किसी ऐसे मतलब बात को लेकर आप आगे बढ़ पाओगे जहाँ पर अगर आपको सिर्फ प्रॉमिस करके बस ऐसे ही पुश किया जा रहा है इस कनेक्शन में या फिर जो भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है, अगर उस बात में सिर्फ आपको बढ़ाया जा रहा है, तो आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि चुपचाप इनकी बातों को मानकर आप चल सकोगे। नो, आपको भी शायद एक क्लैरिटी चाहिए थी, और आपके पर्सन भी खुद ऐसे ही मेंटेलिटी रखने वाले पर्सन होंगे गाइस, जो जिनको ड्रामा पसंद नहीं होगा, यू नो, फाल्स प्रोमिसेस या फिर किसी को एक तरह की फैंटेसी वर्ल्ड में फंसा कर रखना, ऐसे आपके पर्सन नहीं होंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड रखते हैं और इनका जो भी अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, हाँ तो हाँ, ना तो ना, यू नो, बीच का ये कोई मतलब आपको ऐसा सिनेरियो देते भी नहीं होंगे। तो जब आपके पर्सन एक क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये हो सकता है सच कहेंगे,
सच इस बात को लेकर हो सकता है कि ये कितना आपकी तरफ अभी फिलहाल के लिए प्रेजेंट कर सकेंगे, इनके क्या हालात हैं, अगर ये अब तक कुछ छुपा भी रहते हैं आपसे, मान लो इफ इट इज अबाउट देयर फीलिंग्स एंड ऑल, तो अगर ये छुपा रहते हैं तो मे बी दे आर जस्ट शोइंग देयर साइड, जहाँ पर ये कम्युनिकेट कर पाएंगे आपसे, बता सकेंगे कि वॉट दे जस्ट फील अबाउट यू एंड वॉट दे वॉन्ट इन दिस कनेक्शन, किस तरह से ये यहाँ पर एक स्टेप रखना चाहेंगे। तो इस तरह की बातें आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं या कह रहे होंगे बहुत लोगों के लिए। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की हैं गाइज। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर मैसेंजर ऑफ अर्थ की बनी हुई हैं। आप एक किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, एक परसिवरेंस यहाँ पर आप रख रहे हैं, आपका ध्यान कोई नहीं भटका सकता, मतलब इस पर्सन को लेकर भी हो, इस कनेक्शन को लेकर हो या किसी बात को लेकर हो। जनरली भी अगर देखा जाए, इफ़ इट इज़ अबाउट योर करियर फ्रंट या कोई ऐसी बात है जहाँ पर आपको हो सकता है बहुत सारे लोग पुश करते होंगे टू चेंज योर आइडिया, या फिर इस तरह की फैंटेसी वर्ल्ड में जीना छोड़ दो, ये होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बट आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आपने जब कुछ देख लिया, कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ बढ़ना है, तो आप फिर घबराते नहीं हो, लाइक ऑब्स्टिकल्स को लेकर हो या जिस भी की तरह की सिचुएशंस को लेकर हो, आप सारी चीज़ों के लिए कमर कस लेते हो गाइस। तो इस तरह के पर्सन आप होंगे, और कोई रास्ता यहाँ पर ज़रूर है जो शायद आपने देख लिया है, एक मंजिल कोई ज़रूर आपने तय करके रखी होगी और वहाँ पर आपने बढ़ने का डिसाइड कर लिया है। और जब ये आपने डिसाइड कर लिया है तो आप बहुत ज़्यादा फिक्स्ड थॉट्स में बने हुए हो, और यही शायद इसी वजह से आपका ये जो एटीट्यूड देख रहे हैं आपके पर्सन, इनको भी वो एक पुश मिल रहा है या मोटिवेशन मिल रहा है कि ऐसी डेडिकेटेड पर्सनालिटी के साथ तो चीट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर इन्होंने ये सोचा भी था कि चलो मैं मेरी फेमिनिन को इस तरह से बातें कहकर कुछ टाइम के लिए टाल भी सकूंगा या सकूंगी, तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन जब आपका एटीट्यूड या अप्रोच देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंट अप्रोच है आपका, मतलब आपने बिल्कुल भी हालात के साथ खुद को चेंज नहीं किया, आपने खुद को इनके लिए बदला नहीं है बिल्कुल भी, आप जैसे इनके लिए थे वैसे ही आप बने रह रहे हो, और उसी तरह से आपका एक जो कंटिन्यूस एफर्ट है इनकी तरफ जाता रहता है, तो आपने आपके पर्सन ने एक चीज़ तो समझ ली कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो, ठीक है, और ऑनेस्ट लोगों के साथ चीट नहीं किया जा सकता, मतलब ऑनेस्ट लोगों को फूल भी नहीं बनाया जा सकता। उनका दिल इतना प्योर होता है, वो लोग इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं किसी चीज़ को लेकर, वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड रहते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों के साथ गलत कैसे हो सकता है। मतलब आपका जब एफर्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज में है, आप जब आपकी इंटेंशन प्योर है, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंट हो और उस पर आप एक प्रॉपर एफर्ट भी रख रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो और इवन उम्मीद भी रख रहे हो, मैनिफेस्टेशंस रख रहे हो, तो आपके साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। और यू नो स्पिरिचुअलिटी का एक और भी रूल है गाइस, जब आप अपने अंदर से वो सारी खामियां निकाल देते हो, मतलब जितने भी आपके अंदर फ्लॉज हैं, अगर आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो, आप एक प्योर पर्सनालिटी बन जाते हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह जब आप खुद में वो सारे चेंजेस लेकर आते हो, इवॉल्व हो जाते हो, तो आपके साथ भी ऐसे ही लोग जुड़ते हैं जो आपकी एनर्जी के इक्विवेलेंट हो। मतलब आपको ना तो कोई चीट कर सकेगा उसके बाद, मतलब वो कह सकते हैं ना कि डिवाइन पावर्स अलाउ ही नहीं करेंगे किसी भी इंसान को कि कोई अब भी आपको धोखा देकर चला जाए। यू नो आप समझ लेते हो, इंसान को पहचान लेते हो, उसकी वाइब से पहचान लेते हो, इवन इंट्यूशंस आपके इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप समझ जाते हो कि ये चीज़ ऐसी है और मुझे यही एफर्ट रखना है यहाँ पर। अगर कोई नेगेटिव लोग दिख रहे हैं, नेगेटिव कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है, तो आप वहाँ से पहले कट जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है गाइस कि आपने वो प्योरिटी देखी है यहाँ पर, आपने वो एक ऐसी वाइब या एक ऐसा इंट्यूशन महसूस किया है यहाँ पर कि आपको सही लगता है सब कुछ। जब आपको कुछ सही लग रहा है तो आप उस चीज़ पर कैसे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो
तो जब आपके दिल ने आपको परमिशन दे दी है, आपका दिल अलाउ कर रहा है, आपका हायर सेल्फ आपको अलाउ कर रहा है, तो आप यहाँ पर बढ़ा दिए जा रहे हो। नेचुरली आपका वो एक जो पाथ है वो बिछता चला जा रहा है आपके लिए और आप चलते चले जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है आपकी आज, और इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स द एयर ऑफ फायर एनर्जी। इट टॉक्स अबाउट द ट्रैवलिंग। बहुत लोगों के लिए ये एक ट्रैवल प्लान भी हो सकता है। अगर आप दोनों ने एक किसी तरह की ऐसी डिस्कशन की है जहाँ पर आप या तो मिलने वाले हो, एक दूसरे की तरफ रीच आउट रखने वाले हो, तो बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल है। और जो काफ़ी अदर लोग हैं जहाँ पर ट्रैवल्स इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए 100% एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। एक एक्शन आप यहाँ पर रखने वाले हो इस कनेक्शन में, या इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए कुछ तो एक मूवमेंट फॉरवर्ड आप लेकर बढ़ रहे हो। आपके पर्सन के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं यहाँ पर, एक क्लैरिटी एक दूसरे के साथ बांटी जा रही है। बट हाँ, वेट है यहाँ पर। वेट लॉन्ग टर्म प्लान्स को लेकर होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर होगा। लेकिन जो अभी जिस तरह से बातचीत होनी चाहिए, जिस तरह से चीज़ें प्रोसीड होनी चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर सब कुछ आगे बढ़ता जा रहा है विदाउट एनी डिले। और बहुत ही ब्यूटिफुली आप शायद इस जर्नी को एंजॉय कर पा रहे होंगे, क्योंकि जब हम किसी जर्नी को लेते हैं गाइस, तो जर्नी भी एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। डेस्टिनेशन पर तो हर कोई पहुंचता है, लेकिन जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो उस एडवेंचर को आप एंजॉय कर रहे हो। मतलब इट टॉक्स अबाउट इवन द एडवेंचरस थिंग, कि आप निकल पड़े हो कहीं और बहुत सारी चीज़ें आप एंजॉय करते जा रहे हो। डेस्टिनेशन बहुत दूर होगी और वहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन जो अभी मिल रहा है रास्ते में उसके साथ तो आप एक एक लाइट एनर्जी और एक हैप्पी एनर्जी को लेकर बढ़ रहे हो। इट टॉक्स अबाउट द एंथुजियास्टिक अप्रोच, ऑप्टिमिज्म एंड लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, मैं कह सकती हूँ। यू गाइज आर एंजॉइंग दिस जर्नी, एंड हर एक स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल होगा, एडवेंचरस होगा। तो इस तरह की एनर्जीज हैं। भले आप जो भी कुछ करना चाहते हो, हर एक एक स्टेप पर एक एक नई बात आपको शायद पता चल रही होगी और बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको यहाँ पर बने रहने से। इस पर्सन की ऑनेस्टी को भी देखकर शायद आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे गाइस, कि दिस पर्सन इज एक्चुअली द ट्रू पर्सन। एटलीस्ट ये दूसरों की तरह छल तो नहीं रखते हैं। दिस पर्सन इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो इस बात का भी आपको सुकून शायद रहा होगा या मिल रहा होगा। तो ऐसी एनर्जी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप इस जर्नी को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, इस पर्सन को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ पर आप एक वॉरियर की तरह सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करते हुए, सब कुछ प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हो। इस मैनिफेस्टेशंस को भी आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। जब हम लोग बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देख लेते हैं अपने पाथ पर, बहुत सारे एनवियस लोग देख लेते हैं ना, तो ज़रूर हमारे अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें ज़रूर बिल्टअप करना पड़ता है, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। क्योंकि वो बोलते हैं ना, बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है जब भी आप किसी चीज़ को करने निकल पड़ते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे लाइफ में जो हमारे लिए अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करते, जो हमारे लिए एक एनवियस या जेलेसी रखते हैं। ऐसे लोगों से अपने प्लान्स को बचाकर रखना ही बहुत सही रहता है। तो प्रोटेक्टर्स टॉक्स इवन अबाउट दिस थिंग, कि आप अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा छुपा कर, कंसील करके आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ये एनर्जीज थी गाइस। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं अपने करियर फ्रंट पर, लव लाइफ पर, और जो भी टॉपिक है, किसी भी सेशन के लिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।